तो भाइयों, आज का टॉपिक है सब्सट्रेट फॉर श्रिम्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि श्रिम्स के लिए कौन से तरह का सब्सट्रेट बेस्ट रहता है। तो देखो, पहले हम बात कर लेते हैं सब्सट्रेट की। तो दो तरह के हमारे पास सब्सट्रेट्स होते हैं, एक होते हैं अपने इनर्ट, ठीक है, और एक होते हैं अपने एक्टिव। जो इनर्ट सब्सट्रेट होता है वो उसमें मतलब कोई फर्टिलाइजर वगैरह नहीं होता, ठीक। और जो एक्टिव सब्सट्रेट होता है उसमें फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जांपल दो इनर्ट के, तो आपकी जो रेगुलर सैंड होती है, ठीक है, या फिर कह लो कि आपकी पूल फिल्टर सैंड होती है, और आपकी डायमंड सैंड होती है, जो ब्लैक डायमंड सैंड होती है, वाइट डायमंड सैंड होती है, ठीक है, और जहाँ पर ग्रेवल्स होते हैं, ये सब आते हैं आपके इनर्ट सब्सट्रेट में। और अगर एक्टिव सब्सट्रेट्स की बात करी जाए तो आपके एडीएम जोनिया हो गया आपका, ठीक है, आपका फ्लूवल स्टेडम हो गया, ये आपके कुछ एक्टिव सब्सट्रेट्स होते हैं, ठीक है। और एक्टिव सब्सट्रेट आपके वो सारे ही होते हैं मेनली जो आपका पीएच डाउन करते हैं, ठीक है, और टीडीएस भी बफर करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि श्रिम्स के लिए कौन सा अच्छा है। तो देखो, दोनों अच्छे हैं श्रिम्स के लिए फॉर श्योर, बट जो आपके न्यू कैरिडा स्पीसीज होती है, ठीक है, लाइक चेरी रेड, सकुरा रेड, येल्लो, ब्लूज, ऑरेंजेस, ग्रीन्स, ये सारे, इन सब के लिए अच्छे रहते हैं इनर्ट सब्सट्रेट, ओके, क्योंकि इनको ज़्यादा डाउन पीएच नहीं चाहिए होता। तो अगर हम बात करें कि एक्टिव सब्सट्रेट किसके लिए अच्छा रहता है, तो वो अच्छा रहता है अपने कैरिडीना स्पीसीज के लिए, लाइक आपका क्रिस्टल रेड, क्रिस्टल ब्लैक्स, इन सब के लिए, ओके। तो इनको चाहिए होता है थोड़ा लो पीएच, लाइक 6-6.5 ऐसे, और टीडीएस इनको चाहिए होता है काफ़ी लो। तो जो एक्टिव सब्सट्रेट होता है वो बफर भी करता है पानी को, ठीक है, पीएच और टीडीएस दोनों बफर करता है वो। सोचो कुछ लोग तो ऐसे बोलते जो नॉर्मल, बिल्कुल ही नॉर्मल सैंड डाल के रखते हैं, कुछ स्टोन्स डाल के रखते हैं, कोई तो बिल्कुल बेयर बॉटम रखता है, इवन वो ब्रीडर्स होते हैं जो बेयर बॉटम रखते हैं। देखो, जो ब्रीडर्स होते हैं ना, उनके लिए बेयर बॉटम इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो वेस्ट रहता है श्रिम्स का और जो अनईटन फूड होता है वो सारा बॉटम में बैठ जाता है, ठीक है, नीचे सेटल हो जाता है। तो अब ब्रीडर के लिए आसानी हो जाती है कि वो जो गंदगी है उसको ईजिली रिमूव कर सकता है, जिससे कि पानी की क्वालिटी ख़राब नहीं होती। डेट्स वाई बेयर बॉटम टैंक रखते हैं ब्रीडर्स, ठीक है, बट हाँ, उनकी फिल्ट्रेशन वगैरह काफ़ी अच्छी रहती है, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बट गाइस, मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो सैंड मार्बल से बनी होती है, लाइक आपके शुगर सैंड, ठीक है, ब्लैक और वाइट दोनों ही, ठीक है, और आपके कुछ ग्रेवल्स ऐसे होते हैं जो मार्बल के ही टुकड़े होते हैं, उनको पेंट करके दे देते हैं, देख देते हैं, ठीक है। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ना, वो ये रहा है कि जो मार्बल वाले सब्सट्रेट्स होते हैं, चाहे वो बड़े रॉक्स हों, चाहे बारीक सैंड हो, चाहे कुछ भी हो, बट उनमें ना श्रिम्स की ग्रोथ और ब्रीडिंग रेट इतनी अच्छी नहीं होती, इवन मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गाइस, मैं तो यही कहूँगा कि आप कभी भी मार्बल से बनी हुई कोई भी चीज़ एक्वेरियम ना डालें, स्पेशली जिसमें श्रिम्स हो। और हाँ गाइस, एक बात और, जो मार्बल होता है ना, वो पानी की केमिस्ट्री को चेंज कर देता है, और स्पेशली वो टीडीएस बढ़ा देता है, ठीक है, अगर काफ़ी सारा हो स्पेशली, तब तो मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाती है पानी में। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी कोई भी ऐसा सब्सट्रेट यूज़ ना करें जो कि मार्बल से बना हो, ठीक है, क्योंकि मार्बल बहुत बेकार रहता है श्रिम्स के लिए, सीरियसली। बाकी फिशेज अगर आपके पास हैं, लाइक या कोई सी जगह आपको फिश है, कोई सी अगर आपके पास फिश है, तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप सिर्फ श्रिम्स रखते हो अपने एक्वेरियम में और ब्रीडिंग करना चाहते हो, तो आई एम डैम श्योर कि आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जब आप वो मार्बल वाले सैंड या स्टोन्स या जो भी है वो हटा देंगे। अब गाइस, एक बार मैं फूड की बात और करना चाहूँगा, थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, बट चलता है, ठीक है। तो फूड जो मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ, सीरियसली गाइस, मैंने इसके ऊपर एक पहले भी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है सिर्फ फूड के ऊपर, एंड ट्रस्ट मी, रिजल्ट्स उसके बहुत 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 अच्छे मिले हैं, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ठीक है, जो उनका पेज है इंस्टाग्राम का, मैं उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको यहीं कहीं वीडियो में, आप देख लेना। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस फूड का जो रिजल्ट है ना, बेहतरीन है, सीरियसली बेहतरीन। जितने भी आप श्रिम्स देख रहे हो ना, ये सारे ऑलमोस्ट सिर्फ आई थिंक 2 से 2.5 महीने के बीच में हुए हैं। जो मैंने स्टार्टिंग करी थी वो करी थी मैंने सिर्फ आई थिंक 17 या 19 श्रिम्स से, और इस टाइम मेरे एक्वेरियम में सिर्फ और सिर्फ 2.5 महीना, ज़्यादा नहीं हुआ टाइम, सीरियसली सिर्फ 2.5 महीना हुआ है अभी, और इस टाइम मेरे एक्वेरियम में 200 से ज़्यादा श्रिम्स, और 200 मैं खुद गिन चुका हूँ, और बच्चे मैंने गिन के छोड़ दिए थे, मतलब बीच में छोड़ दिए थे, ठीक है। तो रिजल्ट फूड का औसम है, सीरियसली औसम। और पता है गाइस, इस फूड की एक बहुत अच्छी बात क्या है, वो बात ये है कि अगर आपको फूड पसंद नहीं आता,
ठीक है, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते, अगर आप आपके श्रेंस नहीं खाते या श्रेंस की ग्रोथ अच्छी नहीं होती या कुछ और रीज़न से आपको फूड पसंद नहीं आता, तो आपके पैसे हो जाएंगे वापस। ठीक है गाइस, आपको आपका रिडीम मिल जाएगा, आपको आपका रिफंड मिल जाएगा, वो अपना फूड वापस ले लेंगे और आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ, चाहे बेशक सील खुल रही हो पैकेट की, तब भी कोई दिक्कत नहीं। चलो फूड वाला टॉपिक ख़त्म करते हैं, वापस सबसे आते हैं। तो गाइस, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कभी भी मार्बल से बना हुआ सबस्ट्रेट अपने एक्सपेरिमेंट यूज ना करें। अगर आपके पास न्यू केडियम स्पीसीज है तो अपना इनर सबस्ट्रेट यूज़ करें। इनर सबस्ट्रेट कोई सा भी हो सकता है सीरियसली। और अगर आपके पास कैरिडीन स्पीसीज है तो एक्टिव सबस्ट्रेट यूज़ करें। अच्छा, मुझसे दो चार लोगों ने ये पूछा था कि सर प्लांट एक्वेरियम अगर हम बनाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, या फिर अगर हम नॉर्मल एक्वेरियम बनाते हैं मतलब विदाउट प्लांट्स का, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा श्रिम्प्स के लिए। तो देखो, इसका मैं एक सिंपल सा आपको दूंगा आंसर, बहुत सिंपल सा, कि अगर आप ब्रीडिंग करना चाह रहे हो तो आप प्लांटेड एक्वेरियम मत बनाना। उसका रीज़न है कि जो प्लांटेड एक्वेरियम रहता है, ठीक है, उसमें प्लांट्स रहते हैं बहुत सारे ऑब्वियसली, और श्रिम्प्स होते हैं छोटे छोटे। तो जब आप मान लो ब्रीडिंग करवा रहे हो, आपने ब्रीडिंग करवा लिया, आपके पास बेबीज हो गए ऑलमोस्ट अच्छे खासे ब्रीडिंग लायक, ठीक है, लेकिन जब आप उनको निकालोगे, पकड़ोगे उनको निकालने के लिए, उस टाइम पे आपका हाथ नहीं चलेगा, और अगर आप ज़्यादा इधर उधर जोर मारोगे तो आपके प्लांट सारे ख़राब हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप प्लांटेड एक्वेरियम ना करो अगर आप ब्रीडिंग सोच रहे हो तो, और ख़ासकर अगर आप बेचना चाह रहे हो तो। हाँ, बट अगर आप ब्रीडिंग नहीं करना चाहते, ठीक है, अगर आप बेचना नहीं चाहते श्रिम्प्स को, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप प्लांटेड एक्वेरियम कर लो सीरियसली, क्योंकि प्लांटेड एक्वेरियम में श्रिम्प्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, जो मैंने नोटिस करा पर्सनली। ठीक है गाइस, और मैंने एक पहले वीडियो में बोला था, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि स्नेल्स साथ में डाल लेना काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी आप देख सकते हो, एक वीडियो है मेरी स्नेल्स के ऊपर कि स्नेल्स कैसे बेनिफिशियल रहता है श्रिम्प्स के लिए। तो ठीक है गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ गाइस, अगर आपके पास कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो श्रिम्प्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट करें, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, कोई इशू नहीं। ओके गाइस, चाहे छोटी बनाऊँ चाहे बड़ी बनाऊँ, बट एक पूरी वीडियो प्रॉपरली बना दूंगा मैं उस टॉपिक पे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।